आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे शरद पवार की। शरद पवार की बात करें तो इनको पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर माना जाता है। ये सांस लेते हैं तो भी पॉलिटिक्स निकलती है, ऐसा इनके बारे में बोला जाता है। चाणक्य की इनको उपाधि दी जाती है। इन्होंने सरकार को बनाया है और बिगाड़ा है, लेकिन बड़े ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी बारामती को पूरी तरीके से बदल दिया है। इनफैक्ट बहुत सी आज जो स्मार्ट सिटीज बन रही हैं उसमें बारामती का एग्जाम्पल फॉलो किया जाता है। और बहुत ही किसानों की बात करते हैं ये, गरीबों की बात करते हैं। शरद पवार का इतना जबरदस्त वर्चस्व है कि 7 बार इन्होंने लोकसभा के चुनाव जीते, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीता, और 7 बार इन्होंने विधानसभा के भी चुनाव जीते। यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं भैया ये बॉम्बे के, 38 साल की उम्र में इनको बॉम्बे का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, और 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये, और केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं ये। शरद पवार की अपनी पार्टी है एनसीपी। मैं इनकी बायोग्राफी इसीलिए लेके आ रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको पता ही है परसों यानी कि 21 अक्टूबर को, क्योंकि मैं ये लेक्चर 19 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 21 अक्टूबर को इलेक्शंस है। तो आज हम शरद पवार की बायोग्राफी देखेंगे, काफी जबरदस्त कहानी है इनकी। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा प्रीमियम कोर्स, प्रीमियम कंटेंट नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ₹159 देके आप जरूर ज्वाइन करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। गौरव सर के जो डेली करेंट अफेयर्स, मंथली करेंट अफेयर्स, वो अब आपको ₹159 पे करके मिलेंगे। और प्रशांत सर की भी और महिपाल सर के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। साथ ही साथ हमारी दिवाली सेल चल रही है और बम्पर डिस्काउंट है, सारे कोर्सेज पे 70% डिस्काउंट है। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 12 दिन तक है, 18 अक्टूबर से लेकर यानी कि कल से लेकर 30 अक्टूबर को चुनाव है। और महाराष्ट्र की 4 सबसे बड़ी पार्टीज हैं, ठीक है, जिसमें से 2 पार्टी एक साथ लड़ती हैं और 2 पार्टी एक साथ लड़ती हैं। कौन कौन सी? बाल ठाकरे की शिवसेना, बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी, ये दोनों साथ में लड़ती हैं, मिलकर चुनाव लड़ती हैं, ठीक है। और अभी हम देखते हैं शिवसेना और बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट है, और इस बार शिवसेना की तरफ से तो आदित्य ठाकरे भी लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। काफी यंग, 29 साल के हैं, यंग लीडर हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, और अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, ये एक्टिव नहीं थे, ये लोग चुनाव नहीं लड़े, ठीक है। तो अच्छी बात है कि शिवसेना के आदित्य ठाकरे लड़ रहे हैं, देखेंगे उनका कार्यकाल कैसा रहता है। फिर दूसरी जो पार्टी है, जो दो पार्टियां, तो आपको पता ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो है ही, साथ ही साथ एनसीपी है शरद पवार की, ठीक है ना। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, तो ये 4 पार्टीज जो है ये महाराष्ट्र में हमेशा इन्हीं 4ों का ही वर्चस्व रहता है। और जो सीटों का बंटवारा है महाराष्ट्र में, टोटल 228 विधानसभा सीटें हैं, ये सब आप जरूर याद रखिएगा, ये जो फैक्ट्स हैं, सीटें कितनी है स्पेशली हर स्टेट में इंपॉर्टेंट रहता है। तो 288 सीटें जो हैं वो ज्यादातर इन्हीं 4ों पार्टीज में बंटती हैं। और आप देख सकते हैं महाराष्ट्र भैया यहीं पे है, मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, अरेबियन सी के किनारे, बहुत ही खूबसूरत शहर, सपनों की नगरी मुंबई ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे काम बहुत ज्यादा है लेकिन लोग कम है, तभी तो भैया सब लोग बोरिया बिस्तर बांध के मुंबई निकल पड़ते हैं, समझ गए आप। फिर हरियाणा में भी चुनाव है, हरियाणा में मैंने योगेंद्र यादव की बायोग्राफी रिव्यू की है, मनोहर लाल खट्टर की बायोग्राफी रिव्यू की है। योगेंद्र यादव की स्वराज पार्टी है, हरियाणा की 90 सीट्स में से 28 सीटों पर योगेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हालांकि योगेंद्र यादव खुद कहीं से नहीं लड़ रहे, उनकी पार्टी लड़ रही है, तो दिलचस्प होगा कि कौन जीतता है। 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, देखेंगे हम। फिलहाल हम शरद पवार की बात करें तो इनका जन्म 12 दिसंबर 1940 में हुआ था, 12 दिसंबर 1940 में हुआ था। 11 बेटे थे गोविंद राव पवार के और शारदा बाई पवार। गोविंद राव पवार जो थे वो शरद पवार के पिताजी थे, शारदा बाई पवार जिनके नाम पे शरद पवार नाम भी पड़ा, शरद इज इक्वल टू शारदा, शारदा बाई पवार शरद पवार की माताजी थी। अब ऐसा बोला जाता है कि जो इनके पिताजी थे वो जो थे वो पॉलिटिकली इतने एक्टिव नहीं थे, हालांकि जो इनका परिवार था वो बहुत लोगों के लिए सोचता था, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा काम किया था इनके पिताजी ने, ठीक है। बारामती फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, बारामती फार्मर जो कि इनका जन्म स्थान भी है शरद पवार का, तो वहां के किसानों के लिए गोविंद राव ने बहुत ज्यादा काम किया था, ठीक है। वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी, 1950 में कोऑपरेटिव शुगर मिल बनाई बारामती रीजन में, लेकिन जो छवि थी, जो असली इंपैक्ट था वो इनकी मां ने किया।
इनकी मां अगर शारदा बाई पवार की बात करें, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती थी शरद पवार को, और इनकी जो माँ थी वो 3 टाइम लोकल बोर्ड में चुनी जा चुकी थी। तो इनकी माता जी तो पॉलिटिकली एक्टिव थी, लेकिन इनके जो पिताजी थे वो इतने ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे। और इनकी माता जी भी बारामती, ठीक है, बारामती की बात करें तो मुंबई से 5.5 से 6 घंटे लगते हैं और 550 किलोमीटर दूर है बारामती, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बारामती को बदल के रख दिया, बारामती ही शरद पवार की कंस्टिट्यूएंसी रही है और 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं। जब भी चुनाव लड़ते हैं यहां से हमेशा जीतते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से बारामती को बदल दिया है, इसीलिए लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एक चीज और, शरद पवार के भाई बहन सब बहुत ही हाईली एजुकेटेड, इनके जो बड़े भाई हैं वो जो उस समय पेजेंट पार्टी थी उनकी तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। शरद पवार एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, शरद पवार ये बोलते हैं कि मैं अकेला ऐसा था अपने परिवार में जो कांग्रेस की तरफ था, बाकी मेरे परिवार के सारे लोग कांग्रेस के अपोज थे, कोई भी कांग्रेस को पसंद नहीं करता था। तो ऐसा हुआ कि जब मैं चुनाव लड़ने गया उसी समय मेरे बड़े भैया भी चुनाव लड़ रहे थे और वो कांग्रेस के अपोजिट लड़ रहे थे, तो अगर मैं चुनाव जीतता तो अपने भाई के अपोजिट खड़ा होता, लेकिन यही पॉलिटिक्स है, ठीक है। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हमको करनी चाहिए और यहाँ पे शरद पवार वैसे ही पॉलिटिक्स करते हैं। दोस्तों जब शरद पवार 75 साल के हुए 2015 में, एक बहुत भव्य समारोह रखा गया था और वो सीन्स मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि अब अभी तो 2019 है और हमको वो सीन्स बिल्कुल मिलते ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की समय पॉलिटिक्स हो गई है बात ही करना बेकार है, लेकिन वो सीन मैं कभी नहीं भूलता हूँ। आप जरा देखिएगा उसको यूट्यूब पे, मैं क्यों नहीं भूलता हूँ, एक मंच पे प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, शरद पवार, मनमोहन सिंह, पक्ष विपक्ष सब खड़े थे और शरद पवार को खूब बधाइयां दे रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने भी भर भर के तारीफ की शरद पवार की, कितनी हेल्दी पॉलिटिक्स लगी, इतना अच्छा लगा देख के। और आज देखिए एकदम ऐसा होता है कि जानी दुश्मन बने बैठे हुए हैं, ठीक है। जो इनकी एजुकेशन है वो महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स BMCC जो कि पुणे में है वहां से हुई, ठीक है, बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो BMCC कॉलेज से इन्होंने अपनी कॉमर्स की डिग्री ली, अंडर ग्रेजुएशन की, और उसके बाद इन्होंने प्रतिभा से शादी किया और इनकी एक बेटी है जो कि MP है। वैसे इनकी बेटी जो है सुप्रिया सुले, इनकी बेटी बताती हैं कि पापा जो हैं, पिताजी ने मुझे इतने अच्छे से पाला है, शायद मेरे ऐसे माँ बाप होंगे, कभी भी मुझे कुछ भी करने से नहीं टोका। सच बात है दोस्तों, चाहे कोई भी माँ बाप हो, एक टाइम पे तो जरूरी ये बोलते हैं कि बेटा ये कर लो, इतने परसेंटेज है थोड़े और ज्यादा ले आना, लेकिन इनकी बेटी बताती कि आज तक कभी भी ऐसा बोला ही नहीं मुझे। सुप्रिया सुले भी एक्टिव पॉलिटिशियन है, MP है वो, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बहुत सारी चीजें बताती हैं वो। आपको बता दूं कि शरद पवार 17 से 18 घंटे काम करते हैं, बहुत काम करते हैं शरद पवार। और इनसे ये सवाल पूछा गया कि आप कैसे बैलेंस करते हैं। सरप्राइजिंगली ऐसा बहुत कम होता है कि एक पॉलिटिशियन अपनी फैमिली को समय दे पाता है। हमने देखा था, हमने बहुत सारे पॉलिटिशियंस की बायोग्राफी रिव्यू की, हमने नीतीश कुमार के बारे में जब देखा था तो बहुत मुश्किल थी, ठीक है। नीतीश कुमार की जब बीवी का देहांत हुआ था तो वो पूरे जो शव यात्रा थी उसमें बस रोते रोते जा रहे थे कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी नहीं, मतलब उतना टाइम नहीं मैं स्पेंड कर पाया जब से चीफ मिनिस्टर बना, ठीक है। लेकिन शरद पवार ने अपनी फैमिली को भी उतना टाइम दिया जितना पॉलिटिक्स में दिया। शरद पवार, यहाँ पे सुप्रिया बताती हैं कि जब भी मेरा कोई स्कूल का फंक्शन होता था हमेशा पापा पीछे की पंक्ति में बैठे रहते थे, हमेशा फैमिली के लिए वो टाइम निकालते थे और ये तब करते थे जब वो 14 से 15 घंटे काम करते थे, लेकिन अपनी पूरी पॉलिटिकल लाइफ को और अपनी फैमिली को बैलेंस करके चलते थे। और शरद पवार बोलते हैं इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, बहुत अच्छी बात है ना। फिर हम ये देखते हैं दोस्तों कि शरद पवार बहुत ही जल्दी पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। एवरेज स्टूडेंट थे, ठीक ठाक थे पढ़ने में, लेकिन पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव थे, लोगों के लिए सोचते थे। तो इन्होंने यूथ कांग्रेस 1958 में ज्वाइन की, जिस तरीके से बीजेपी अगर आप आना चाहते हैं, ठीक है, वैसे RSS तो बिल्कुल ये बात नकारता है कि कोई भी पद के लिए मत आओ, लेकिन RSS या फिर ABVP, ऐसे ही सिमिलर अगर आप कांग्रेस पे जाना चाहते हैं तो पहले आप यूथ कांग्रेस ज्वाइन करिए। तो 1958 में सबसे पहले पवार ने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया, जैसा कि मैंने बताया कि पूरा परिवार जो था वो कांग्रेस के अगेंस्ट था, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि इन्होंने तो ज्वाइन कर ली कौन सी पार्टी, कांग्रेस। अब उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, सारे राज्यों को पुनर्गठित किया गया। चलो भैया कमेंट बॉक्स में बता दो 1956 के बाद भारत में कितने स्टेट्स थे, ये सवाल है, फटाक से बताइए। तो 1956 के बाद यहां पे चीफ मिनिस्टर बनते हैं 1956 के बाद, जो कि शरद पवार के गुरु भी थे
यशवंत राव छवन, यशवंत राव छवन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर थे, वो 1957 से लेकर 1962 तक बॉम्बे में चीफ मिनिस्टर रहे, ठीक है। और उसके बाद 1963 में अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा समय तक अभी तक जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं बॉम्बे के, 12 साल तक वो रहे हैं बसंत राव नाइक, 1963 से लेकर 1975 तक, वो भी नेशनल कांग्रेस के ही थे। और अब ऐसा बोला जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस शायद उनका रिकॉर्ड तोड़ दे, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब इसी समय यशवंत राव छवन से मिलते हैं और यशवंत राव छवन शरद पवार को राजनीति सिखाते हैं, इन्हीं के ही शिष्य थे शरद पवार, प्रोडिजी थे, पॉलिटिकल गुरु कौन था इनका, यशवंत राव छवन। फिर हम ये देखते हैं कि पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई। 1964 आते आते महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी थे ये, और सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोजीशन होती है, उसके बाद आपको या तो हेड बनाया जाता है या फिर सेकंड इन कमांड बनाया जाता है। सेक्रेटरी बहुत बड़ी हेड होती है, इनफैक्ट वही एक अपने में ही बहुत बड़ी पोजीशन है। 27 साल, सिर्फ और सिर्फ 27 साल बारामती कंस्टिट्यूएंसी के लिए इनको नॉमिनेट कर दिया और ये जीत गए, और उसके बाद अभी तक ये उसी कंस्टिट्यूएंसी से लगातार जीतते आ रहे हैं। लेकिन आपको पता ही है कि 1969 में कांग्रेस के दो दड़े हो गए, ये मैंने कई बार डिस्कस किया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। कांग्रेस आर और कांग्रेस, जो कांग्रेस आर था वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का धड़ा था, और ये धड़ा जो है वो शरद पवार ने ज्वाइन किया, और इनके मेंटर कौन थे, यशवंत राव छवन। फिर हम ये देख रहे हैं कि 1969 के बाद सब कुछ तेजी से बदला शरद पवार के लिए, और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में भी अब चेंजेस हुए, ठीक है। यहां पे यशवंत राव छवन ने उस समय वसंत राव नाइक, जो कि अभी मैंने बताया चीफ मिनिस्टर थे, 1975 तक रहे वो, 1963 से लेकर 1975 तक, उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया कि शरद पवार को अपनी कैबिनेट में लो, और पहली बार यहां पे शरद पवार को कैबिनेट मिनिस्ट्री दी जाती है। कैबिनेट मिनिस्ट्री मतलब सेंटर वाली नहीं, स्टेट वाली। तो स्टेट होम अफेयर्स मिनिस्टर, जो कि बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है, गृह राज्य मंत्री, वो बनाया गया शरद पवार को, और यहां से शरद पवार की तो भैया चल पड़ी। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। 1975 से लेकर 1977 तक, ठीक है, हम यहां पे देखते हैं कि इमरजेंसी लगी और शरद पवार जो थे वो होम मिनिस्टर, होम अफेयर्स मिनिस्टर थे। लेकिन उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन बने, शंकर राव छवन, 1975 के बाद। और शंकर राव छवन ने रिजाइन कर दिया, क्यों रिजाइन कर दिया, क्योंकि 1977 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस हार गई। और जब शंकर राव छवन ने यहां पे अपना रेजिग्नेशन दिया, कांग्रेस में फिर दो फूट हो गई थी, ठीक है ना, कांग्रेस यहां पे दोबारा दो में पट गई थी, जो स्टेट कांग्रेस है। यशवंत राव छवन का जो फैक्शन था वो कांग्रेस यू था, और इंदिरा गांधी का जो फैक्शन था वो कांग्रेस आई था। तो यशवंत राव छवन का जो कांग्रेस यू था वो ज्वाइन किया पवार ने, और जैसे ही हम देखते हैं कि 1977 के बाद इलेक्शन हुए, स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए, और वहां पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, और शंकर राव छवन ने अपना रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद शरद पवार के को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। 38 साल के थे उस समय शरद पवार, 1978 का जो इलेक्शन था, 1978 का, और यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर 1978 शरद पवार, वैसे तो चार बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इन टोटल बात करें, 1978 से लेकर 1980 तक, फिर 1988 से लेकर 1991 तक, फिर 1993 से लेकर 1995 तक, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। तो फिर हम देखते हैं कि शरद पवार का अब यहां पे एक जो ऐसी पोजीशन होती है, कमांडिंग पोजीशन, वो यहां पे मिलने लगी। तो 1978 से लेकर 1978 से लेकर 1980 तक चीफ मिनिस्टर रहे शरद पवार काशी में, वहां पर भी इन्होंने बहुत बढ़िया किया। अब ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि 1978 तक, 1980 तक चीफ मिनिस्टर थे, फिर कांग्रेस आई जीती, मतलब कांग्रेस जीती, उसके बाद एआर अंतुले हुए चीफ मिनिस्टर, ठीक है। फिर जो बड़ा मौका आया दोस्तों शरद पवार के पास, वो 1984 में जब इन्होंने बारामती कंस्टिट्यूएंसी से लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे वो जीता इन्होंने, और उसके बाद राजीव गांधी के साथ बहुत ही जबरदस्त इनकी ट्यूनिंग थी, ठीक है ना। हम यहां पे देखते हैं दोस्तों कि हुआ क्या कि 1988 में शंकर राव छवन ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, रिजाइन इसलिए कर दिया क्योंकि राजीव गांधी ने फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब राजीव गांधी ने उनको अपनी कैबिनेट में बुला लिया और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया।
अब शरद पवार इस समय तक वापस कांग्रेस में आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो शरद पवार को फिर से चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, 1988 से लेकर 1991 तक शरद पवार फिर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, तो यह बहुत जबरदस्त चीज हुई। फिर 1990 में चुनाव हुए, ठीक है, कांग्रेस मेजॉरिटी से थोड़ा शॉर्ट रह गई, 288 में से 141 सीटें जीती उन्होंने, ठीक है, लेकिन फिर भी 145 चाहिए बहुमत के लिए, और 11 निर्दलीय एमएलए ने साथ दिया यहां पे कांग्रेस का। और 1990 में जो असेंबली इलेक्शन थे उसमें फिर कांग्रेस पावर में आई, समझ रहे हैं ना कि 1988 में क्या हुआ, फिर से मैं बता दे रहा हूं। 1988 में हम ये देखते हैं कि शंकर राव छवन थे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, अब राजीव गांधी ने उनको अपनी कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, तो चीफ मिनिस्टर की जगह खाली हो गई, तो शरद पवार को वहां पे भेजा। तो शरद पवार जो थे 3 साल तक 1991 तक चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन 1990 में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें फिर कांग्रेस जीती। तो यहां पे जब कांग्रेस जीती और इस समय तक दोस्तों शिवसेना बाल ठाकरे भैया बाला साहब ठाकरे और बीजेपी दोनों ही राम रथ, ये जो राम मुद्दा था, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, बहुत हॉट टॉपिक था, और उस समय इसको बहुत ही कायदे से बड़ा राम भक्त कौन, कांग्रेस के राजीव गांधी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे कोई हो, हर कोई यही साबित करने में लगा हुआ था, धर्म की राजनीति यहां पे होने लगी थी। ठीक है, तो ये वो वाला एरा था, 1990s में बहुत कुछ बदला। फिर हम ये देखते हैं कि 1991 के वो ऐतिहासिक साल आया जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1989 से लेकर 1991 तक, आपको पता ही है, सबसे पहले वीपी सिंह फिर चंद्रशेखर, लेकिन वो ऐतिहासिक साल 1991 जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है, और पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बने तो अपने साथ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लेके आए, हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से खोल दिया गया। और उसी दौरान शरद पवार को ऐसा लग रहा था, दोस्तों आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि शरद पवार को उस समय प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता, राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी तो शरद पवार का नाम बहुत जोरों शोरों से उमड़ा था कि शायद शरद पवार प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे 1991 में, और हो भी जाते हैं, लेकिन शरद पवार को उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी, है ना, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, और शायद कुछ और भी लोग जो थे वो कांग्रेस के नहीं चाहते थे कि शरद पवार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो चूक गए। और इस बात का मलाल हो ना हो, लेकिन उनके इंटरव्यूज में कहीं ना कहीं ये देखने को तो मिल ही जाता है, दो बार ऐसे मौके आए, एक बार 1998 में आया और एक बार 1991 में आया, लेकिन वही है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। तो शरद पवार जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर थे 1993 तक, 1993 तक, और फिर हम ये देखते हैं कि 1993 से लेकर 1995 तक ये चौथी बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है ना, 1993 से लेकर 1995 तक। उसके बाद दोस्तों 1995 के विधानसभा इलेक्शन, और ये बहुत ही ज्यादा निर्णायक थे क्योंकि यहां पे पहली बार कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला था। वैसे 1996 से कांग्रेस को बहुत तगड़े झटके मिलने शुरू ही हो गए थे, लेकिन 1995 में इनको बहुत बड़ा झटका मिला जब महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में 288 सीटों में से शिवसेना और बीजेपी ने 138 सीट जीत ली, और वही राम रथ पे सवार, और यहां से ही तो बीजेपी का उदय होता है ना। 90 आप डॉट्स को कनेक्ट करिए भैया, कनेक्टिंग द डॉट्स थ्योरी किसने दी थी पता है, स्टीव जॉब्स। तो डॉट्स को कनेक्ट करिए क्या हो रहा है यहां पे, हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी ने, ठीक है, ये जो मुद्दा था राम मंदिर का, इसको बहुत अच्छे से भुनाया, और उसके बाद स्टेट्स में भी सरकार बनी, सेंटर में भी सरकार बनी, तो 138 सीटों के साथ शिवसेना और बीजेपी ने सरकार बनाई, और शिवसेना के जो लीडर थे मनोहर जोशी, ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं 14 मार्च 1995 में महाराष्ट्र के, और शरद पवार जो थे वो ऑपोजिशन लीडर थे और कांग्रेस में ही है। अब इसी दौरान दोस्तों सीताराम केसरी, ना खाता ना बही, जो केसरी कहे वही सही, इनकी पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी, प्रेसिडेंट थे ये, और उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही थी कि सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बन जाए कांग्रेस की, और शरद पवार ऐसा नहीं चाह रहे थे। शरद पवार हालांकि केसरी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन शरद पवार चाह रहे थे कि वो प्रेसिडेंट हो और वो प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन जब दोस्तों 1999 में इलेक्शन हुए और यहां पे सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाया गया, शरद पवार, पीए सांगमा और तारिक अनवर, वही तारिक अनवर जो ऐसा लग रहा था उस समय कि शायद शरद पवार से बनती नहीं, लेकिन उसके बाद शरद पवार के साथ ही उन्होंने एक दूसरी पार्टी बना ली। तो यहां पे जैसे ही सोनिया गांधी को इन्होंने कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, कांग्रेस ने चुना,
तो इन्होंने अपोज किया शरद पवार ने, कि इन्होंने जो कमेटी थी कांग्रेस की कमेटी थी उनसे बोला कि ये तो इटालियन है, आप ऐसे ही कैसे इनको प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रेसिडेंट बना सकते हैं, ये तो गलत है, आप ऐसे तो अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, अध्यक्ष वही बने कांग्रेस का जो भारत में जन्मा हो। ये जो तर्क है ये नकार दिया गया, शरद पवार ने अपनी दूसरी पार्टी बना ली, अपनी अलग पार्टी बना ली। हम ये देखते हैं कि पी ए सांगमा तारिक और शरद पवार ने नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, 1999 में एनसीपी का जन्म होता है। और मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इस समय महाराष्ट्र में चार बड़ी पार्टीज हैं, तो देखिए आपको कितना कुछ पता चल रहा है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं। फिर दोस्तों 1999 की बात करें तो इलेक्शन हुए, 1999 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 75 सीट मिली, एनसीपी को 58 सीट मिली, ठीक है, फिर शिवसेना को 69 और बीजेपी को 56। तो भैया एनसीपी प्लस आईएनसी दोनों का कॉम्बिनेशन, एनसीपी को 58 सीट और 75 सीट जो है कांग्रेस को, दोनों को मिला दीजिए अच्छी खासी सीट शिवसेना और बीजेपी से ज्यादा। विलास राव देशमुख को चीफ मिनिस्टर बनाया गया 1999, जिनके रितेश देशमुख बेटे हैं। रितेश देशमुख आपको पता होना चाहिए कि विलास राव देशमुख के बेटे हैं, वैसे पता ही होगा। अच्छा एक चीज मैं भूल गया, 1993 में जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, मतलब जब चीफ मिनिस्टर थे शरद पवार महाराष्ट्र के, तो काफी इन पे इल्जाम भी लगे, कॉन्ट्रोवर्शियल इनका करियर रहा है, पॉलिटिकल करियर इनका काफी कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरे रहे हैं। अगर शरद पवार की बात करें, 1993 में जो डिप्टी कमिश्नर थे उस समय, ठीक है, जीआर खैरनार, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए, ठीक है, करप्शन के बहुत ही तगड़े आरोप लगे, और ऐसा बोला गया कि ये क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, दाऊद इब्राहिम तक के साथ इनके रिश्ते हैं, और ये भी बोला गया कि पूरा इनको क्रिमिनल को संरक्षण देते हैं और अंडरवर्ल्ड में कहीं बहुत ज्यादा इनका मतलब जुड़े रहने की, तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई। हालांकि जब एविडेंस प्रूफ करने की बात आई तो डेप्यूटी कमिश्नर जीआर खैरनार जो है वो प्रूफ नहीं कर पाए, ये डेप्यूटी कमिश्नर बीएमसी के थे जीआर खैरनार। फिर हम ये देखते हैं कि अन्ना हजारे भी यहां पे फास्ट पे बैठे हुए थे, क्यों, क्योंकि जो 12 फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनको हटाने की मांग थी, बहुत जबरदस्त करप्शन कर रहे थे, तो उसमें भी वहां पे भी उनको नहीं हटाया गया, तो यहां पे हम देखते हैं कि इसमें भी शरद पवार का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। फिर वो फेमस 1994 का गोवाड़ी स्टैम्पीड, जो गोवाड़ी में भगदड़ हो गई थी, वो बहुत ही खतरनाक, गोवाड़ी और वंजारी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहां पे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी, और जब लाठी चार्ज की भगदड़ हो गई, 114 लोग मर गए, और इसमें शरद पवार को पूरा जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो बहुत सारे इन पे इल्जाम भी लगे 1993 में। किसी पॉलिटिशियन का करियर भले ही वो कितना भी कर ले, बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जिनका करियर, जिनका पॉलिटिकल करियर बहुत साफ होता है, और जिनका पॉलिटिकल करियर साफ होता है वो तो फिर उनको तो सलाम। फिर हम ये देखते हैं कि 1999 से लेकर 2004 तक हम ये देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी इनकी सरकार बनी, लेकिन शरद पवार चीफ मिनिस्टर नहीं बने। अब 1999 से लेकर 2004 तक लोकसभा में किसकी, मतलब सेंट्रल में किसकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। 2004 के बाद जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है, तो शरद पवार को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर बनाया जाता है। ये चीज आप समझ गए, बहुत ही बढ़िया। 2009 में फिर जब कांग्रेस जीती तो दोबारा उनको मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ही मिनिस्टर रहे ये मनमोहन सिंह कांग्रेस के टेन्योर में, क्योंकि किसान बहुत अच्छे से, किसानों से जो जुड़ाव था वो बहुत ही तगड़ा था इनका, ठीक है, और बहुत सारी चीजें भी स्टैब्लिश की हुई थी, इसीलिए ये सही पोर्टफोलियो था इनके लिए। 2004 की बात करें दोस्तों, तो जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे महाराष्ट्र में, उसमें बीजेपी को 54 सीटें मिली थी, शिवसेना को 62 सीटें मिली थी, आईएनसी को 69 सीटें और एनसीपी को सबसे ज्यादा 71 सीटें। तो दोबारा शिवसेना सॉरी आईएनसी और एनसीपी की सरकार आई महाराष्ट्र में 2004 की बात करें। फिर 2009 की अगर बात करें तो अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस को 82 और एनसीपी को 62, दोबारा इनकी सरकार आई। लेकिन 2014 में सब बदल गया, 2014 में बीजेपी को 122, शिवसेना को 63 और देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। तो ये चीज हुई, कॉन्ट्रोवर्सीज भी काफी रही है अगर हम बात करें। वैसे तो कॉन्ट्रोवर्सी सारे, जैसा कि मैंने कहा, सारे पॉलिटिशियंस के साथ रही है, तो काफी ज्यादा आय से ज्यादा संपत्ति का मामला भी काफी उठा था कि एक पॉलिटिशियन की इतनी ज्यादा करोड़ों करोड़ों की संपत्ति कैसे हो सकती है, तो उस पर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। करप्शन का केस, स्टैंप स्कैम, लैंड अलॉटमेंट की परिवार को बहुत ज्यादा इन्होंने फेवर किए, जमीन इनके नाम की, ये सब भी केसेस बहुत ज्यादा हुए। साथ ही साथ इन्होंने
कुछ अच्छे काम भी किए हैं। इनका जो विद्या प्रतिष्ठान है ये 1972 से शुरू हुआ और ये रूरल एजुकेशन पे काम करता है। तो अब तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके जो संस्था है, ये जो संस्था के बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं और शिक्षा देते हैं। फिर शरद पवार का पब्लिक स्कूल भी चलता है, शरद पवार क्रिकेट एकेडमी भी चलती है। आपको बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा प्यार लगा रहा है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो खो खो और क्रिकेट, क्रिकेट और जो रेसलिंग है और जो फुटबॉल, इन सबसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है शरद पवार ने। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के तो ये 10 साल तक अध्यक्ष रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2001 से 2011, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। बीसीसीआई के भी प्रेसिडेंट रहे हैं ये 2005 से लेकर 2008 तक, आईसीसी के भी प्रेसिडेंट रहे हैं इसी दौरान 2008 से 2010 तक, और रेसलिंग, कबड्डी, खो खो, ओलंपिक, ये सब इन्होंने लीड किया है। तो एक अच्छा करियर रहा है, एक अच्छा पॉलिटिकल करियर रहा है। और शरद पवार को जो इनकी राजनीति है वो, जैसा कि मैंने बताया, इनको चाणक्य की उपाधि दी गई है, इन्होंने सरकार बनाई भी है और बिगाड़ी भी है। तो ये कहानी थी। वैसे दोस्तों हमने इनकी सेंट्रल पॉलिटिक्स की बात नहीं की है, सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी इन्होंने बहुत कुछ किया, हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेट पॉलिटिक्स की बात की है। खैर, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर शेयर करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।